प्रदेश में अगले कुछ दिन भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आपदा की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। सीएम धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ तैनात जेसीबी को हर समय तैयार रखा जाएगा। आपदा संभावित स्थलों पर इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए ताकि बंद रास्तों को तुरंत खोला जा सके। वहीं लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मार्गों पर 396 मशीन जिसमें जेसीबी पॉकलेन रोबोट की तैनाती की गई है। सीएम ने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम रिस्पांस टाइम में बचाव और राहत कार्य के लिए पहुंचे। वहीं बारिश या भूस्खलन से सड़क बिजली पानी की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में कम से कम समय में आपूर्ति सुचारू की जाए। साथ ही सीएम ने बताया कि सिंचाई विभाग ने प्रत्येक जनपद में बाढ़ नियंत्रण कक्ष तथा देहरादून में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। साथ ही सिंचाई विभाग ने 23 स्थानों पर नदियां और 14 स्थानों पर बैराज का जल स्तर डिस्चार्ज की निगरानी की जा रही है। देहरादून से की हुई है, हमने पहले ही उसकी समीक्षा की हुई है। साथ में जो मार्ग हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं उन मार्गों को खोलने के लिए सैकड़ों जेसीबियां अलग अलग स्थानों पर जियो टैग के साथ लगाई गई हैं। उनके पास मोबाइल नंबर भी हैं जो तत्काल जैसे ही मार्ग बंद होंगे वैसे ही खोलेंगे। इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में भी सभी जिलाधिकारियों को, सभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को कहा गया है कि अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि जल भराव की स्थिति हो रही है, कहीं पर कोई अतिक्रमण है या कोई इस प्रकार की चीज़ है, तो उसको तत्काल जो है उसका संज्ञान लेकर उसका